स्वागत है सभी को। जय जिनेन। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पाव भाजी। पाव भाजी में जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो इस प्रकार हैं। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च लिए है और इस सीजर से अदरक लहसुन और मिर्ची को महीन महीन कर लिया है। टमाटर है, धनिया है, प्याज है और ये पाव भाजी मसाला है। और ये मैश किए उबले हुए आलू हैं और ये है गुलाबी मटर, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर दूँगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून तेल डाल दूँगी और इसमें बटर डाल देंगे, क्योंकि बटर अकेला डालो तो बहुत जल्दी जल जाता है। ये हमारी बटर और ऑयल मेल्ट हो गया है। अब इसमें ये मैंने जो अदरक लहसुन और मिर्ची का रखा है मिला के, इसको मैं डाल दूँगी। इसको हल्का जब भुन जाएगा तब उसके बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने खूब महीन महीन चॉप करके रखी है। इसको खूब खड़ा नहीं करना है, हल्का हल्का जब भुन जाए तब इसमें ये शिमला मिर्च डाल देंगे। ये हमारी प्याज हो गई है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे और ये पाव भाजी का मसाला डाल देंगे। सबको खूब अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ये आलू डाल देंगे। अब इसमें ये मटर डाल देंगे। ये देखिए हमारी भाजी कितनी बढ़िया मिक्स हो गई है। थोड़ी गाढ़ी सी लग रही है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको थोड़ी सी ऐसे मैश कर देंगे ताकि अच्छे से थोड़ी सी ये पिसी जाए। थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसको अब 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मिल जाए कवर करके रख देंगे। इसको मैं 10 मिनट के लिए, ये देखिए
मेरे 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको कवर को अलग कर रही हूँ। ये देखिए मेरी पाव भाजी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। आहा, अब इसको थोड़ी सी धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ पे एक तवा रख रही हूँ, इसमें मैं पाव को सेकूंगी। इसमें थोड़ा सा बटर लगा देंगे। ये देखिए मेरी पाव भी सिक गई हैं, अब मैं इसकी प्लेटिंग कर दे रही हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया सिक गई हैं। ये देखिए मेरी पाव और भाजी बनकर रेडी है। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।